अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम ट्रांसलेट करेंगे नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो चलें देख लेते हैं इसके मीनिंग क्या निकलते हैं। नेसेसिटी नेसेसिटी यानी ज़रूरत, ज़रूरत इज़ द यानी होती है मदर, मदर यानी माँ ऑफ की किसकी इन्वेंशन, इन्वेंशन यानी ईजाद, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। यानी इसका मतलब ये निकलता है, ये एक मुहावरा है कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। यानी आपको कोई अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है उसका आप सोल्यूशन निकाल लेंगे, और वो जो सोल्यूशन होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो कोई ईजाद ही होगी। इन सिंपल वर्ड्स, आसान लफ्ज़ों में, व्हाट क्या, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन के ज़रूरत ईजाद की माँ है, इसका मतलब क्या है। मीन्स मायने हैं, यानी मतलब है इज़ दैट वैन, जब पीपल लोग हैव अ प्रॉब्लम, पीपल के पास क्या होती है, लोगों के पास जब प्रॉब्लम होती है, हैव यानी उसके पास कुछ होना, ठीक है, किसी के पास कुछ होना तो हैव का इस्तेमाल करते हैं। पीपल हैव अ प्रॉब्लम यानी कि जब लोगों के पास प्रॉब्लम होती है, आती है, होती है, दे विल, तो वो क्या करते हैं, क्या करेंगे, ऑलवेज हमेशा हैव टू, हैव टू हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को, यानी कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि हम फिर करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो हैव टू बी क्रिएटिव, तो उनको बनना पड़ता है, हैव टू बी तो बनना पड़ता है। अगर यहाँ पे कोई और वर्ब होता तो क्या हो जाता कि वो करना पड़ता है, बनना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, दे विल ऑलवेज हैव टू बी क्रिएटिव, उन्हें क्रिएटिव होना पड़ता है, ठीक है। तखरीबकार बोलते हैं इसको, यानी कि नई से नई ईजादात करने वाले क्रिएटिव लोग, कुछ अलग सोचने वाले। एंड थिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स यानी कि उसी होल में रह के नहीं सोचना होता, बल्कि उसके बाहर बियॉन्ड कुछ सोचें। ये एक फ्रेज़ है, आउट ऑफ द बॉक्स यानी थोड़ा क्रिएटिव होकर सोचना, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द बॉक्स ये एक हमारा फ्रेज़ है जिसके मायने होते हैं कि थोड़ा सा क्रिएटिव होकर सोचें। टू फाइंड, ढूंढने के लिए, अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन को, हल को, जो कि प्रॉब्लम है उसका हल, हल ढूंढने के लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा फॉर द प्रॉब्लम, ठीक है, उस प्रॉब्लम के लिए। इट इज़, ये है, इन दिस वे दैट ऑल इन्वेंशंस, यानी इसी तरह से इट इज़ इन दिस वे यानी इसी तरह से दैट के ऑल इन्वेंशंस, जितनी भी ईजादात हैव कम, आई हैं, हैव कम यानी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस लगा हुआ है, आ चुकी हैं, ठीक है, आ चुकी हैं, अबाउट थ्रू द नेसेसिटी, किसके ज़रिए, कम अबाउट यानी आ चुकी हैं थ्रू, किसके ज़रिए, द नेसेसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज़ की ज़रूरत के तहत ही वो चीज़ आई है, यानी अगर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो फिर वो चीज़ हमारे पास आई है। टू मेक लाइफ ईजियर, क्या बनाने के लिए, ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। चलें आगे बढ़ते हैं। When people needed to यानी ज़रूरत होना किसी भी चीज़ की, ठीक है, यानी उसको ज़रूरत पड़ती थी किसकी, कम्युनिकेट, बातचीत करने की विद ईच अदर, एक दूसरे से, इन अर्लियर सेंचुरीज़ यानी पिछले ज़माने, ठीक है, अर्लियर सेंचुरीज़ यानी पिछले ज़माने में, जब एक दूसरे से विद ईच अदर यानी एक दूसरे से विद यानी के साथ, ठीक है, बातचीत करने के लिए, जब उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी एक दूसरे से, दे वुड राइट लेटर्स, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, वो क्या लिखा करते थे, वुड यहाँ पे यूज़ टू के, जैसे यूज़ टू नहीं होता क्या करते थे, तो यहाँ पे हम यूज़ टू के अलावा वुड का भी उसी सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। दे वुड राइट लेटर्स यानी वो लिखा करते थे क्या, लेटर्स, एंड पोस्ट देम, और उन्हें भेज दिया करते थे, टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को भेज दिया करते थे। हाउएवर मतलब अलबत्ता, यानी इसके बावजूद या अलबत्ता, When the problem came, जब problem आई, of needing to send, किसके भेजने की ज़रूरत आई, send messages too far, बहुत दूर भेजने में, and away, यानी दूर, from friends and relatives, that required immediate attention, कि जिसको फ़ौरन से, मतलब जिसकी रिक्वायर हो कि अटेंशन फ़ौरन से आ जाए। अब जैसे लेटर तो जाते हैं, तो लेटर पहले वो पोस्ट होगा तो उसमें दो तीन चार पाँच दिन का प्रोसेस लग जाता, बल्कि चार पाँच दिन, ये तो बहुत पहले की बात हो रही है, तो वो जब बहुत ज़्यादा दिन लग जाया करते थे, महीने महीने लग जाया करते थे एक लेटर को पहुंचने में,
तो अगर जल्दी मतलब रिक्वायर्ड है कि भाई जल्दी से पहुंच जाए, इमीडिएट इमीडिएट यानी जल्दी से अटेंशन चाहिए हो उनको, तो लेटर्स वुड टेक फार टू लॉन्ग टू रीच, यानी कि लेटर्स जो हैं पहुंचने में बहुत टाइम लिया करते थे। इट इज़ थ्रू, इसी के ज़रिए, दिस नेसेसिटी, ये ज़रूरत, इसी ज़रूरत के ज़रिए, दैट द टेलीग्राम, जो टेलीग्राम था, द टेलीग्राफ एंड इवेंचुअली द टेलीफोन वर इन्वेंटेड। एंड इवेंचुअली, इवेंचुअली यानी आखिरकार, द टेलीफोन वर इन्वेंटेड, तो टेलीफोन इजाद कर लिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इसी तरह से टू गेट राउंड टू प्लेसेस फास्टर, किसी भी जगह पे जल्दी पहुंचने के लिए, इंस्टीड ऑफ के बजाय, हैविंग टू वॉक के चला जाए, एवरीवेयर हर जगह, द व्हील, जो व्हील है, कैम आया, इन, ठीक है, कैम इन यानी इजाद हुआ, आया, एंड चेंज द वर्ल्ड, और उसने क्या तब्दील कर दिया, दुनिया को तब्दील कर दिया, दुनिया को तब्दील कर दिया से मुराद यानी कि पहले क्या हुआ करता था कि हमें सिर्फ चलना पड़ता था, अब चलने के बजाय क्या करते हैं, व्हील इजाद हो गया, यानी अब गाड़ियाँ बनने लगी, तो इस वजह से ये दुनिया ही चेंज होकर रह गई। तो ज़रूरत आई कि एक जगह हम बिना चले पहुँच सकें, तो उसका हमने क्या हुआ, इन्वेंशन भी आई, इजाद भी आ गई। आगे बढ़ते हैं, देखें, नेसेसिटी पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अ पर्सन, यानी एक इंसान पे जो ज़रूरत होती है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है। ठीक, और कोई चीज़ इतना प्रेशर नहीं डालती जितनी कोई ज़रूरत उस पर प्रेशर डालती है कि भाई वो काम वो करके ही रहे। एंड दिस प्रेशर, उसी प्रेशर में यानी उसी दबाव में आकर, फोर्सेस द मैन, पीपल, पर्सन को फोर्स करती है यानी उकसाती है कि भाई टू थिंक, सोचने पर, ऑफ अ क्रिएटिव सॉल्यूशन, उसका एक तखरीबी सॉल्यूशन सोचने की, यानी क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचने की ऊपर उकसाती है, आउट ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर। दिस क्रिएटिविटी ऑफन लीड्स टू न्यू इन्वेंशन, और यही क्रिएटिविटी जो है किसी भी किसी इजाद की तरफ इंसान को ले जाती है। सच एज, जैसे द ट्यूब लाइट, द लाइट बल्ब, जैसे कि द लाइट बल्ब, बल्ब है, द व्हील, द टेलीफोन एंड सो मैनी अदर्स। ठीक, तो ये थी हमारी नेसेसिटी, इट इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।